कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए देश में लोगों के बीच टीका लगाने के लिए लेकर होड़ लग गई है। देश के कई हिस्सों में टीका सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। कई सेंटर्स पर टीका खत्म होने पर लोगों ने हंगामा किया है। वैक्सीनेशन से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वैक्सीन रिपोर्ट। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ताजा स्टडी में इस बात का दावा किया गया है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की दो डोज के बीच 45 हफ्ते यानी करीब 315 दिन का गैप ज्यादा प्रभावी होता है। इतना ही नहीं, स्टडी में ये भी दावा किया गया कि इस वैक्सीन की तीसरी डोज इंसान के शरीर की एंटीबॉडी के लेवल को और ज्यादा बढ़ा सकती है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में 16 जनवरी से शुरू हुए देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। ग्लोबल वैक्सीनेशन ट्रैकर की लिस्ट में भारत के बाद अमेरिका है। हालांकि अमेरिका की आबादी 33 करोड़ है और वहाँ 32 करोड़ 33 लाख से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में सोमवार तक 2 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। शिवराज सरकार के मुताबिक राज्य में रोजाना औसतन 10 लाख डोज लगाए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब दूसरी डोज लगाने में भी तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकाकरण के साथ बच्चों के 14 प्रकार के वैक्सीनेशन के लिए भी व्यवस्था की गई है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने को लेकर घिरे चीन ने वैक्सीनेशन के मामले में सभी देशों से आगे होने का दावा किया है। हालांकि चीन के दावे पर शक जताया जा रहा है। चीनी स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक 27 जून को 2 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई, जिसके बाद चीन में अब तक कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 1 अरब 18 करोड़ डोज से ज्यादा हो गया है। मध्य प्रदेश के मेहर अस्पताल में वैक्सीन खत्म होने के बाद नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल में तोड़फोड़ किया। लोगों ने अस्पताल के कर्मचारी के साथ भी धक्का मुक्की की। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को भारी भीड़ और भीषण गर्मी में लाइन में खड़ा होना पड़ा, लेकिन अचानक वैक्सीन के खत्म होने की सूचना से लोगों का गुस्सा बेकाबू हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे में कोरोना का टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। टीका सेंटर पर एक महिला को 5 मिनट के अंदर 3 बार एक ही वैक्सीन लगा दी गई। सैन्य बीजेपी नेता ने महानगर पालिका के आयुक्त से मिलकर दोषी स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वैक्सीन लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लगाए जा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के औरंगाबाद में टीका सेंटर पर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। स्वास्थ्य केंद्र पर वैक्सीन लगवाने वालों की इतनी ज्यादा भीड़ जमा हो गई कि सब एक दूसरे पर गिरते नजर आए। ऐसी लापरवाही से कोरोना से बचाव के बजाय इसके फैलने का खतरा ज्यादा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लोगों में टीका लगवाने की होड़ मची हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में वैक्सीन सेंटर में टीका खत्म होने के बाद लोगों ने हंगामा किया। नाराज लोगों की अस्पताल कर्मियों के साथ कहासुनी भी हुई। टीके की किल्लत को देखते हुए मुरादाबाद में आज सिर्फ 11 सेंटर पर ही वैक्सीनेशन होगा। कोलकाता में सेक्स वर्करों के लिए खास टीका सेंटर बनाया गया है। कोलकाता नगर निगम ने एक सामाजिक संगठन के साथ मिलकर सोनागाछी में टीका सेंटर बनाया है। अब तक यहां 300 सेक्स वर्करों को टीका लगाया जा चुका है। अगले कुछ दिनों तक यहां वैक्सीनेशन का ये अभियान जारी रहेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।